सर कल यहाँ पे लाइट भी बहुत देर तक नहीं थी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कहने का मतलब क्या है बेटा, हुंड्स कहता था जब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं कराओगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में कहाँ हो जाए जी एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पेयरिंग करते समय भी या तो स्पिन सबका क्लॉकवाइज होना चाहिए था, या सभी का स्पिन कैसा होना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पेंडुलर स्पिन। अब इसके बाद आता है पॉली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सर आप पेज नंबर लिखते जाओ सर। पेज नंबर लिखते जा। अच्छा यहाँ बोर्ड का पेज नंबर, बोर्ड पे का पेज नंबर बोल रहे बच्चा? यस सर। ठीक है। अनिरुद्ध तो कल बता ही दिया है कि सर इधर क्यों लिखते हैं ना, अनिरुद्ध पूछ लिया था हमसे। क्या तो सर? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम्ही ने पूछा था ना कल, सर आप इधर क्यों मैंने स्टार्ट करते हो। नो सर मैंने नहीं पूछा था। मैंने पूछा था अच्छा ठीक है चलो, कहना राइट ही, इसलिए राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे लोग। तो ये कहता है ऑर्बिटल्स के बारे में, मतलब बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसी बॉक्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्यों होगा, इसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम नंबर, तो वहां से क्लियर होगा। तो नोट करना, अकॉर्डिंग टू एट द स्पिन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू इट द स्पिन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अपोजिट टू देम बिकॉज द फोर क्वांटम नंबर, ये चीज अभी पूरे टॉपिक चलने वाला है क्वांटम नंबर, बस ये टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर स्टार्ट करेंगे, वहां क्लियर होगा। क्वांटम नंबर द फोर क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन नेवर बी सेम, अकॉर्डिंग टू इट द स्पिन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अपोजिट टू देम बिकॉज द फोर क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन नेवर बी सेम, हैंस द चलो हो तो गया, ये पहले लिख लिए। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिट बोलता हूँ ऑर्बिटल, जैसे एस का सब सेल है, एस का ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्लॉकवाइज भर सकते हैं हम लोग, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, पॉसिबिलिटी ये है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पहला एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड क्लॉकवाइज, तो एस में टू इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। तो ये चार पॉसिबिलिटी हैं, तो जो पॉली कहता है लास्ट के टू सही है क्योंकि दोनों का स्पिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड कैसा है क्लॉकवाइज। तो ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो पॉली के अकॉर्डिंग होगा करेक्ट। पॉली के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो पॉली के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी पेयरिंग में होगा तो हमेशा अपोजिट स्पिन होगा, ठीक है ना बच्चा, याद रखना।
इस बात को। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन क्या होगा, हमेशा अलग होगा। मतलब एक बिट पे दो लोग सो रहे हैं तो दोनों या तो क्लॉकवाइज या अगर एंटी क्लॉकवाइज सो रहे हैं, तो ये बिट का पैटर्न गलत है। इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे, पहला क्लॉकवाइज है तो सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, अगर फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंड क्लॉकवाइज। ठीक है ना बेटा, एक बंदा सर ऊपर रख के सोया है तो दूसरा बंदा कैसे कैसे सोएगा बेटा, सर नीचे तरफ करके। ठीक है ना, तो ये बोलता है पॉली, क्योंकि ऐसा पैटर्न फॉलो करने से, लास्ट वाला सेकेंड लास्ट और फोर्थ वाला, ऐसा पैटर्न फॉलो करने से क्वांटम नंबर अलग होते हैं। अब ये क्वांटम नंबर क्या है, एक पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, अब इसको नोट करो। क्वांटम नंबर क्या है, एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जल्दी से छापो बच्चा लोग। तो बेटा यहाँ पे क्वांटम नंबर का टर्म्स आया, ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं क्वांटम नंबर क्या है। जहां किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, चारों क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर चार कौन कौन से अभी डिस्कस करेंगे पता चलेगा, होते हैं क्या ये देख लेते हैं। हेडिंग नोट करो, क्वांटम नंबर। तो बेटा तुम अपना एड्रेस जब लिखते होगे तो कैसे लिखते हो बेटा एड्रेस, सबसे पहले अपना नाम, फिर एसओ लिख दोगे या सीओ लिख दोगे, केयर ऑफ या सन ऑफ, फिर अपने पिताजी का नाम, फिर अपना जो भी हाउस नंबर होगा वो लिख दोगे, फिर स्ट्रीट लिखोगे, ठीक है ना, फिर वो स्ट्रीट किस मोहल्ले में आता है वो लिख दोगे, वो मोहल्ला किस जगह पे आता है वो लिख दोगे बेटा, फिर स्टेट लिख दोगे, पिन कोड डाल दोगे, स्टेट लिख दोगे, ठीक है, और उसके बाद इंडिया में रहते हो तो इंडिया कर दोगे बेटा, अगर बाहर भेजना है तो इंडिया से बाहर, यही करते हो ना बेटा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी एड्रेस बताने के लिए कुछ नंबर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ये सबको बताने के लिए, कुछ एड्रेस बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा उसका एड्रेस बताने के लिए नंबर यूज करते हैं। कौन कौन से है, सिंबल लेकिन बोलते इनको नंबर, एन एल एम एंड एस, ये कुछ सिंबल हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए यूज किया जाता है, इसी को बोला जाता है बेटा क्वांटम नंबर, एन एल एम एंड एस, ठीक है ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब एड्रेस कैसे बताता है बेटा, अब एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, पता चल गया ना बेटा, पता चल गया कि नहीं? यस सर। अब मैं बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में, तब तुम इलेक्ट्रॉन को कहाँ खोजोगे, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन में बोलूंगा फोर्थ सेल में है तो कौन से गली में जाओगे बेटा, पहला गली छोड़ दोगे, सेकेंड गली को छोड़ोगे, थर्ड को, फोर्थ गली में जाओगे ना बेटा, गली गली सिम सिम करने, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन को खोजने। क्लियर है बच्चा लोग? यस यस सर। तो एन बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से गली में मिलेगा, मतलब कौन से सेल में मिलेगा, क्लियर है? अगर मैं बोल दिया थ्री, अब थ्री में गए तो वहां पे बेटा कौन कौन से सब सेल है, इलेक्ट्रॉन तो सब सेल के अंदर ऑर्बिटल में होता है ना, तो 2s 2p, इलेक्ट्रॉन में बोल दिया थर्ड वाले में, एक बोल दिया n का वैल्यू 3 है, तो एड्रेस पता चला बेटा, फर्स्ट गली सेकंड गली को छोड़ तीसरे गली में जाना है, 3s 3p 3d, यहाँ पे तीन बिल्डिंग है s p d का, उसमें किसी एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो कौन बताता है बेटा बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के बारे में कौन बताता है बेटा, एल एल L का वैल्यू अगर 1 रख दिया तो कौन सा बिल्डिंग होगा, S बिल्डिंग होगा, P होगा या D होगा, कौन सा बिल्डिंग होगा बेटा, S वाला P वाला बताया ना, N प्लस L रूल में निकालते हैं बेटा वैल्यू, P वाला, L का वैल्यू 1 है तो वो P सबसेल होगा, ठीक है बच्चा लोग, कौन सा सबसेल होगा, P सबसेल, ठीक है, तो P सबसेल में गए, तो P सबसेल के अंदर कितने बॉक्स होते हैं बेटा, थ्री,
थ्री, मतलब वो बिल्डिंग है फ्लैट सिस्टम, इसके अंदर तीन फ्लैट है, ठीक है ना। तो इसमें होता है वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस वन, ये एम का वैल्यू कैसे आया पता चल जाएगा ना, अभी परेशान होता है, ये एम का वैल्यू है। तो कौन सा फ्लैट में है वो कौन बताएगा बेटा? एम, ठीक है ना। फ्लैट मतलब कौन से ऑर्बिटल में है वो कौन बताता है? एम। अब ऑर्बिटल में ये एस है स्पिन, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से एड्रेस बताते हैं इन लोग। तो क्वांटम नंबर क्या है बेटा? किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का क्या बताएंगे? एड्रेस। समझ में आया बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए कुछ सिंबॉल यूज करते हैं। कौन कौन से सिंबॉल है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए कौन कौन से सिंबॉल यूज होता है बेटा? N, L, M, N, S, S, M, N, S, S। इन्हीं को बोला जाता है क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और एड्रेस के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं बेटा, सबसेल कौन सा होगा, ठीक है ना, ऑर्बिट कौन सा होगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्वांटम नंबर क्या होगा बेटा, डेफिनेशन नोट करें। It gives idea about an electron. एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट करें? It gives idea about इसने। It is defined as a identification number of an electron and it gives idea about of energy of electron. It gives idea about energy of electron. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन शेप एंड साइज ऑफ सेल एंड ऑर्बिटल, सेल ऑर्बिट सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। It is defined as a identification number of an electron and it gives idea about of energy of electron, distance between nucleus to electron, shape or and size of shell, subshell and orbital. ठीक है ना, ये होता है identification number, जो कि क्या क्या है बेटा? एन एल एम। तो यहाँ पे नोट करना टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो कितने टाइप के बेटा? फोर टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट टाइप का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से। तो ये क्या क्या बताएगा बेटा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इट इज गिवन बाय, किसने दिया इसको? इट इज गिवन बाय बोर्स। किसने दिया बेटा इसको? बोर्स ने, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय बोर्स। इट इज गिवन बाय बोर्स।
सेकेंड इट गिव्स आइडिया अबाउट, किसके बारे में आइडिया देगा बेटा? आइडिया अबाउट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बेटा, एन से रिलेटेड एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला है कि नहीं है बेटा? आर एन इक्वल टू क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है कि नहीं होता बेटा? ई एन का भी फॉर्मूला होता है बेटा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना बेटा फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस में पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बच्चा लोग? हेलो, आवाज मिल रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो रेडियस में एन का यूज होता है यहाँ पे भी, साथ में क्या बताएगा? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर, लोकेशन ऑफ सबसेल वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इट गिव्स लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी सबसेल, सबसेल बोलता हूँ, सेल करो, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो अगर मैं बोलूं एन का वैल्यू 4 है तो तुम फोर्थ वाले सबसेल में खोजोगे इलेक्ट्रॉन को, 2 बोलो तो 2 वाले में। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो शेप और साइज ये भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो शेप और साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा? तो एस सबसेल कैसा होता है बेटा? एस सबसेल का साइज कैसा होता है बेटा? बताया हूंगा मैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल तो बेटा एस सबसेल तो होगा ना बेटा, ये 1s है, ये भी स्फेरिकल होगा। 2s है तो ये भी क्या होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। 3s है तो ये भी क्या होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। लेकिन किसका साइज बड़ा होगा बेटा? जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा n का, वैसे ही वैसे क्या होगा बेटा? उसका शेप और साइज बढ़ेगा। ऑर्बिट बढ़ता है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा तो उसका साइज भी, इसके अंदर के सबसेल का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चा लोग? तो ये याद रखना, वैल्यू ऑफ एन एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप, शेप नहीं बोलेंगे, साइज, साइज ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल। एन का वैल्यू क्या बताता है बेटा? साइज बताता है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा बेटा? किसका साइज बड़ा होगा बताओ? 3s, 2s, 3s। 3s का साइज बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा गोला और ये और भी बड़ा गोला, ये छोटा। समझ में आया बेटा? 1s है, ये कौन सा बेटा? 2s सबसेल और ये 3s। समझ में आ गया बेटा? तो n का वैल्यू क्या बताता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे वो प्रेजेंट होगा, और साथ में साइज ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल। शेप अलग है, साइज अलग है बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पे साइज है, क्लियर है बच्चा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और लास्ट में नोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बाय एन, ठीक है ना? स्मॉल एन, जितने भी क्वांटम नंबर है सबको स्मॉल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं।
एन का वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटा। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है बच्चा। तो देखो स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या बताएगा बेटा, क्वांटम नंबर, एनर्जी, क्या बताएगा डिस्टेंस, और क्या बताया साइज। क्लियर है बेटा, ये कौन बता देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है बेटा एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंड नोट करो एजीमुथल क्वांटम नंबर। नोट कर लिया बेटा हेडिंग, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बच्चा, लो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर नोट करना। पॉइंट वन, पहले किसने दिया, इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, सब्सिडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो किसने दिया था बेटा, सोमरफेल्ड ने, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं सब्सिडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी भी बोलते हैं सब्सिडरी भी बोलते हैं, ठीक है, और एंगुलर क्वांटम नंबर। इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। जल्दी से छापो बच्चा लो, तो वैल्यू ऑफ एल आपको याद रखना है बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक काउंट कर सकते हो, सबसेल एस पी डी एफ, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, ऐसा चलेगा, ठीक है ना। तो एस सबसेल है तो स्फेरिकल, पी है तो डंबल शेप का, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, ऑर्बिटल बोलो, डबल डंबल। क्लियर है, एफ का बोलते हैं लीफलेट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा लो। तो छाप लो बेटा, ये कौन बताता है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सबसेल है वैसे ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक है ना, बस इनका ओरिएंटेशन अलग होता है। तो नोट कर ले बेटा, पेज नंबर 4 ये हुआ।
एक इसमें एक फॉर्मूला भी याद रहता है आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी पूछा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू एल इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू फाइव या फिर अंडर रूट एल एल प्लस वन एच कट, एच के ऊपर ऐसा कट लगा दे तो इसको बोलते हैं एच कट, ठीक है ना। तो एच कट का वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा, एच अपॉन टू पाई को, एच अपॉन टू पाई को क्या बोलते हैं बेटा, एच कट। नोट कर लो बच्चा लोग, टू का डबल फोर फोर से ज्यादा पाए। एक और चीज भी बता सकता है, नोट कर लियो बच्चा लो, पेज नंबर फोर। यस सर, हो गया बच्चा लो। तो एंगुलर क्वांटम नंबर भी बताता है बेटा, ये एंगुलर क्वांटम नंबर बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखना बेटा अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन फोर टू पाई, और टू पाई एच अपॉन टू पाई को बोलते हैं एच कट, एच के ऊपर ऐसा साइन बना ना एच कट, एच अपॉन टू पाई को। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स आइडिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, आइडिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका भी आइडिया ये देता है बेटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इक्वल टू टू एल प्लस वन इंटू टू, टू टू फोर फाइव, ठीक है ना बेटा। किसी सबसेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। कैसे निकालोगे बेटा फॉर्मूला, क्या है टू एल प्लस वन, तो देखो वैल्यू ऑफ पहले सबसेल, सबसेल वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, और इसके बाद एक और नोट कर लेते हैं, इट गिव्स आइडिया अबाउट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, इट गिव्स आइडिया ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, ये भी बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, ये होता है बेटा 2l प्लस 1, दैट मींस सबसेल वैल्यू ऑफ l ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसेल हमारा एस पी डी
एफ जी यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बताओ एल का वैल्यू क्या होगा? जीरो जीरो वन टू थ्री फोर। ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? देखो तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल डबल से एक ज्यादा, जीरो का डबल जीरो, उससे एक ज्यादा वन, वन का डबल टू, टू से एक हाई थ्री, टू का डबल फोर, फोर प्लस वन फाइव सेवन नाइन, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे देखो जितने सबसेल हैं, जितने सबसेल में ऑर्बिटल्स हैं उसके डबल क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, तुमको मालूम है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं बेटा? टू। टू ऑर्बिटल कितना है बेटा? वन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू, तो वही तो बना ना बेटा। देखो फॉर्मूला टू एल प्लस वन, ये हो गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मल्टीप्लाई टू से कर दिए तो क्या हो गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे? सिक्स, यहाँ पे टेन, यहाँ पे फोर्टीन, यहाँ पे एटीन। तो एल से पता चलता है कितने ऑर्बिटल होंगे सब सेल के अंदर, एल से क्या पता चलेगा बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, ठीक है ना। और साथ में सब ऑर्बिटल पता चल गया तो ऑर्बिटल का डबल क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ये किसके से पता चलता है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, प्राइमरी क्वांटम नंबर बोर्ड्स को, ठीक है ना बेटा। सब सेल बता रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने सब सेल होंगे, सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये सब बता रहा है कौन? एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, डेट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर है सभी को? सर एक बार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ो। अंडर रूट एल ब्रेकेट एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच कट। ठीक है ना सर, व्हाट इज एच कट? एल लो, देखो तो यहाँ पे एच अपॉन टू पाई इज कॉल्ड एच कट। ओके, स्लाइड में लिखे भी थे, जब लॉन्ग कांस्टेंट को काट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एच कट, ऐसे। तो सिंबल है एच अपॉन टू पाई की जगह पर रखा जाता है। तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा कितने सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब भी बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। पेज नंबर फाइव। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, छाप ले बेटा। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
हमको एल से क्या पता चल गया बेटा, एल से किसके बारे में पता चला बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या पता चला? एल से क्या पता चला बेटा बताओ? सर शेप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ सबसेल और कितने ऑर्बिटल्स हैं ये पता चला। अब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई में होगा या जेड में होगा, इन दोनों के बीच होगा, ये सब बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इट गिव्स आइडिया अबाउट, थर्ड क्वांटम नंबर है, इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है ना। ऑर्बिटल का क्या बताएगा, ओरिएंटेशन। जैसे एस, एस तो सभी एक्सिस में मिलेगा बेटा, ठीक है। पी सबसेल, चलो एस सबसेल कैसा है बेटा, स्पेरिकल है, तो स्पेयर में ये एक्सिस है बेटा, तीन एक्सिस मान लिए, एक एक्स ठीक है, वाई जेड, या ऊपर कहीं भी कुछ रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों एक्सिस में क्या होगा बेटा, स्पेयर होगा ना, तो एस तीनों एक्सिस में मिलेगा बेटा, एस में भी मिलेगा, पी में मतलब वाई में भी मिलेगा और जेड में भी मिलेगा। एस क्या से होता है बेटा, स्पेरिकल। इसलिए उसके बाद कौन सा बेटा, पी सबसेल। तो पी सबसेल में याद रखना, इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं बेटा, कितने ऑर्बिटल है पहले ये बताओ, पी में थ्री ठीक है ना, कितने ऑर्बिटल है, थ्री। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल। तो तीन ऑर्बिटल है, इनका नेम है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मैंने बताया है बेटा कि पी का शेप कैसा होता है बेटा, डंबल, डंबल से ठीक है ना। ये बता चुका हमने, तो डंबल से एक्सिस ले लेता हूं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो डंबल से अगर एक्स एक्सिस पे है, डंबल से कहां है बेटा, एक्सिस एक्स पे, तो उसको बोलते हैं पी एक्स। ओरिएंटेशन मतलब उसका लोकेशन ही हो गया एक तरह से, कौन से एक्सिस पे बिलोंग करता है। पी वाई है तो कौन से एक्सिस से बिलोंग करेगा बेटा, डंबल से कौन से एक्सिस से होगा, वाई, वाई एक्सिस से। किसको बोलेंगे क्या, पी वाई ऑर्बिटल। और जेड हुआ तो डंबल से कौन सा एक्सिस पे होगा बेटा, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ठीक है ना बच्चा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी जेड। तो सबसेल में जो ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन बताएगा, ऑर्बिटल का भी शेप वही होगा जो सबसेल का, डंबल से। बट डंबल कहाँ होगा बेटा, डंबल से कहाँ होगा, एक्स पे हुआ तो पी एक्स, वाई पे हुआ तो पी वाई, जेड पे हुआ तो ये। वैसी सर सबसेल सबसेल क्या सबसेल स्पिन करेगा, हाँ बेटा घूमते रहते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहते हैं। डी सबसेल में कितने बॉक्स होते हैं बेटा, मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं, फाइव। नोट कर लो बेटा, फाइव है ठीक है। इसमें कौन कौन से है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इनके नेम है बेटा, डी एक्स एक्स जेड, डी एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स टू वाई स्क्वायर, और लास्ट आपका डी
जेड स्क्वायर। तो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, अंदर जो लेटर लिखा हूं तभी जब बनाऊंगा और डायग्राम तो वहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो डी कैसा होता है बेटा? डंबल शेप का होता है, डबल डंबल शेप होता है कि नहीं होता? डबल डंबल शेप डी कैसा होता है बेटा? डबल डंबल शेप। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड मान लेते हैं बेटा, ये जेड और ये एक्स, ठीक है बेटा। डी कैसा होता है? डबल डंबल शेप, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अगर ये डंबल शेप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हो तो इसको बोलते हैं कौन सा बेटा? डी एक्स वाई। डंबल शेप किसके किसके बीच हो बेटा? वाई और जेड, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डी वाई जेड। वाई जेड, जेड और एक्स के बीच हो डंबल शेप तो जेड एक्स, जेड एक्स, डी जेड एक्स। तो ये तीनों को देखो कहाँ है बेटा? सब एक्सिस के बीच में है, तो इनको क्या बोलते हैं? बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये तीनों एक्सिस के बीच में है तो इसलिए इसका एक नेम है टी टू जी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? टी टू जी, याद रखना ये, ठीक है ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है टी टू जी, और ये किसमें होते हैं? बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में मिलते हैं, क्लियर है बच्चा? ये याद रखना है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के सेट को बोला जाता है टी टू जी, ठीक है ना। टू जी जो है सब स्क्रिप्ट में है, नीचे रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट वाले दो ऑन द एक्सिस होते हैं बेटा, मतलब एक्सिस के ऊपर। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना, ये एम से पता चलता है। एक्स वाई, तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर जेड। तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इसे बोलते हैं डी एक्स वाई स्क्वायर। इसमें कुछ अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डी जेड। इनके सेट को, इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ईजी, ठीक है ना। इनके कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है? ईजी सेट। और ये किसमें होते हैं बेटा? ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो याद रखना डी सब सेल में पांच है बेटा, और बिटल्स पांचों के नेम क्या क्या है? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। स्टार्टिंग के तीन कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? टी टू जी सेट, और लास्ट वाले को ए जी। तो टी टू जी बिटवीन द एक्सिस, और ये ए जी कहाँ होते हैं? ऑन द एक्सिस। नोट कर लो बच्चा लोग। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एक ही पॉइंट हुआ है, ठीक है ना। इट गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इट गिव्स, चलो पहले उसको नोट कर लो वहां तक, एक बनाएंगे तब टाइम लग जाएगा। जल्दी छापो बेटा, टाइम है कि बाकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। आज बस इतने ही याद रखो।
एपीपीएस सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चा लोग? हेलो, यस सर, यस करो बच्चा जल्दी से सॉल्व, ठीक है ना? ठीक है बच्चा, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में, कल लेवल वन डिस्कस करेंगे जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा? उसमें से जो डाउट है कहने का मतलब वो पूछ सकते हो, ठीक है ना बच्चा लोग? बाय सभी को बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू बच्चा।